भाई अभी ज्वेल किचन की टीम आ चुकी है भाई पत्नी टॉप, और ये देखो एकदम देसी स्टाइल। भाई ये देखो भैया क्या बनाओगे आज हमारे लिए? सर आपके लिए स्पेशल देसी चिकन बनाएंगे। भाई ये देखो भाई एक बार मुर्गा दिखा दो सबको हाथ में दिखा के, एक बार ऊपर करो। ये देखो भाई देसी स्टाइल का मुर्गा तो आज भैया हमारे लिए बनाएंगे। कैसे बनाते हो भैया? यहीं पे बनाओगे पूरा? एक बार पूरी मेकिंग दिखाओगे सबको? तो चलो भाई भैया के साथ चलते हैं एकदम और मेकिंग दिखाते हैं पूरी। लो अपना मुर्गा कटने के लिए रेडी हो चुका है। भैया कितना है ये? पूरा एक मुर्गा है ना ये? ये देखो भाई पूरा अपना मुर्गा। अभी इसके छोटे छोटे पीस भी करोगे? अच्छा तो ये देखो भाई अपना एक पूरा मुर्गा भाई इतना हो जाता है। इसके कितने पीस निकल जाते हैं भैया एक प्लेट में? 20 से 22 पीस। अच्छा 20 से कितने? 22। अच्छा 20 से 22 पीस निकल जाते हैं इसमें। ये देखो भाई अब इसी के 20 से 22 पीस निकलेंगे भाई, ये देखते जाओ अभी। और मेकिंग कैसे रहने वाली है ना भाई मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग रहने वाली है। मैंने अभी तक जितने भी मेकिंग देखी है ना भैया के पास खड़े होके, भाई मजा आ गया देख के। ये देखो भाई देसी मुर्गे की जो बात है ना वो अलग ही लेवल की है। अभी देखते हैं भाई कैसे बनता है एकदम। और बाहर दिखाऊं मैं आपको, बाहर बारिश हो रही है भाई, मौसम देखो बाहर बारिश हो रही है। और भाई यहाँ कट रहा अपना चिकन। अच्छा प्याज काटोगे? जी सर। भाई चिकन कट के एकदम रेडी हो चुका है हमारा, अपना प्याज कटने रेडी हो चुका है। स्पीड देखो भैया की एकदम तेज। ये लो भाई जितने में मैं बोल रहा हूँ भैया ने इतने में प्याज भी काट दिया है। लो तो इसमें कितने प्याज जाते हैं भैया एक मुर्गे में? अच्छा 250 ग्राम प्याज जाएंगे इसमें। और ये अपनी कढ़ाई होने वाली है भाई जिसमें बनेगा अपना चिकन एकदम। और बाहर तो भाई बारिश जैसा एकदम मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रोड भीग गई है पूरी। तो ये देखो भाई अपना प्याज कट भी चुका है बोलते बोलते। लो भाई अपना चूल्हा जल चुका है एकदम देसी स्टाइल बनेगा भाई आज अपना चिकन। ये लो भाई अपनी कढ़ाई भी साफ हो चुकी है बढ़िया तरीके से। अब सबसे पहले भैया बनाते किसमें क्या है? ये ऑयल है। अच्छा ये ऑयल है, कौन सा तेल है? ये सरसों का? नहीं। अच्छा फॉर्चून तेल में बनाते हो आप? वाह लो फॉर्चून के तेल पे भाई एकदम चिकन बनता है यहाँ पे। ये लो भैया ने भाई यहाँ पे डाल दिया सबसे पहले तेल। और यहाँ पे भैया की आंच देखो कितनी तेज कर दी चूल्हे की। ये लो भाई सबसे पहले भैया ने इसमें डाल दिया जीरा है। अच्छा जीरा भी डाल के बनाते हो उसमें? जीरा और प्याज का कॉम्बिनेशन भाई दोनों का रहता है, यही नहीं है इसमें सिर्फ प्याज प्याज है भाई, देसी स्टाइल है तो जीरा तो बनता ही है भाई इसमें। ये क्या डाला भैया आपने? अच्छा दालचीनी डाल दिया आपने सबसे पहले। तो भैया एक बार लोकेशन बता दो सबको, कौन सी लोकेशन है ये? पत्नी टॉप में। कहाँ पे है ये? मेन पत्नी टॉप भाई, ये मेन पत्नी टॉप है। ये देखो भाई अब ये जा रहे हैं भाई अपने प्याज। ये लो भाई अपने प्याज जा चुके हैं। अब इसमें चिकन जाएगा है? तो इसमें पहले टमाटो प्यूरी कुछ नहीं जाती, सबसे पहले चिकन भुनेगा इसमें है प्याज के साथ? चिकन और प्याज एक साथ। अच्छा चिकन और प्याज साथ में भुनोगे और ये मसाले वसाले सब बाद में, अभी सिर्फ नमक डाल रहे हो? भाई ये लो प्याज के डालते ही ब्राउन होने का भी वेट नहीं करा, साथ में भैया ने चिकन डाल दिया। अब भाई कभी देसी चिकन तो मैंने बनाया नहीं है तो आज भैया बना रहे हैं भाई, खिलाएंगे देखते हैं भाई कैसा बनता है। बने रहो वीडियो में देखते हैं भाई बनता कैसे। अभी तो चिकन को भुना जाएगा है? तो गलने में थोड़ी टाइम लगता है इसलिए प्याज और डाल। अच्छा साथ में डाल देते हो कि गले साथ में ना टाइम लगता है इसलिए? तो भैया कितने ऑर्डर मार देते हो एक दिन में? 4 से 50 से 60। अच्छा 50 से 60 ऑर्डर एक दिन में? वाह भाई ये लो भाई साथ में जा रही है लाल मिर्च, हरी तो भाई बहुत जगह देखी होगी, साथ में जा रही भाई लाल मिर्च और ये हरी मिर्च दोनों। ये लो कम से कम इसमें 4 मिर्चें डाल दिए भैया ने और हरी एकदम बढ़िया वाली। और ये देखो भाई और फुल आंच में बना रहे भैया, ऐसा नहीं कि भाई कम आंच कर रही है, फुल आंच में बना रहे हैं भाई। कितने टाइम में बना देते हो इसको? 10 से 15 मिनट। अच्छा 10 से 15 मिनट में चिकन बना देते हो पूरा? भाई हमें बनाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है, 10 से 15 मिनट में भैया चिकन भी बना देंगे भाई, अभी देखते रहो वीडियो में 10 से 15 मिनट में। भाई भैया ने इसको ढक दिया है अपने बढ़िया से एक उससे। ये देखो पत्नी टॉप के नज़ारे देखो यार, मतलब एकदम बढ़िया नज़ारे। और साथ में बन रहा है भाई अपना चिकन अंदर,
और वो है हमारा रिजॉर्ट पीछे, और यहाँ बन रहा है भाई अपना देसी चिकन। हाँ देखो, दुकान का नाम है सिंह चिकन कॉर्नर। ये देखो भाई, भैया ने वहाँ पे उठा दिया ढक्कन और बढ़िया से, ये देखो चिकन कितना बढ़िया। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा भाई देख के। पहली बार मैं मेकिंग देख रहा हूँ एकदम लाइव, और वो भी 15 से 20 मिनट में बन ही जाएगा भाई मेरे हिसाब से, तो 15-20 मिनट में बन जाएगा जिस तरीके से भैया बना रहे हैं। तो इसमें पानी वानी डालते हो भैया कि ऐसी ग्रेवी बन जाती है इसमें? नहीं, बाद में डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छा, ये लो भाई, भैया ढक ढक के बना रहे और एकदम आंच तेज करी हुई है। ये देखो भाई चिकन की रंगत देखो कैसे आ रही है, फुल मिर्ची विर्ची अभी तक कुछ भी डाला भैया ने, सिर्फ प्याज चिकन और मिर्ची है भाई इसमें सिर्फ। और ठंड देखो बाहर हो रहा है, 10 डिग्री का मौसम, 10 डिग्री मौसम में भाई देसी चिकन मिल जाए। अभी भैया आपने फ्राई भी करने, ठीक है, हाफ प्लेट फ्राई भी लगा देना चिकन, तो अभी देखेंगे फ्राई भी। भाई सबसे पहले अपना देसी चिकन बन जाए बढ़िया, हैं? हाँ डीप फ्राई करना है भाई। तब तक हमारा यहाँ पे चिकन पक रहा है, तब तक भाई ये देख लो अपना डीप फ्राई चिकन की बारी आ चुकी है। तो अभी हमारा भैया हाफ लगाना आपने, ठीक है, तो यहाँ भाई हाफ चिकन लगने वाला अपना एकदम फ्राई वाला, तो भाई मजा आ जाएगा खा के आज तो। ये देखो चिकन पकाते पकाते भाई चिकन बढ़िया भुन चुका है भाई तेल के अंदर, ये देखो कलर चेंज हो चुका है अब चिकन का। तो भाई अब डालेंगे भैया, इसके बाद अब क्या डालोगे इसमें? सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अच्छा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालोगे, तो वो आप कूटते हो हैं फ्रेश एकदम? भाई यहाँ डालने लग गया, आप क्या डाल रहे हो भैया? जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये लो भाई एकदम फ्रेश, भाई एकदम फ्रेश काट। हाँ ये क्या डाला भैया लाल वाला आपने? कश्मीरी टिक्की मसाला। अच्छा कश्मीरी टिक्की मसाला, वाह भाई ये देखो भाई Amazing। तो ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप डेली करते हो इतना? डेली। तो 2 मिनट के लिए आप इसको जिंजर गार्लिक को पकाएंगे। अच्छा 2 मिनट के लिए कम से कम इसको ढक के पकाओगे अभी, है? जी। ये देखो भाई कश्मीरी टिक्की मसाला से कलर ही चेंज हो गया भाई चिकन का, लाल लाल हो गया अभी भाई। अभी तक 1% भी पानी नहीं डाला भैया ने, सोचने की बात है। देख लो अभी तक जो आप ये देख रहे हो ना तेल, ये तेल ही है, अभी तक इसमें कोई भी पानी नहीं डाला। और एकदम भाई मतलब ठंड लग रही है भाई मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े भी, और मौसम देखो भाई एकदम ठंडा। ये देखो और बाहर ये देखो बारिश हो रही है, आपको दिख रही हो हल्की हल्की, तो बाहर बारिश हो रही है और यहाँ देखो क्या मेकिंग हो रही है भाई अपनी चिकन की। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा हल्दी डाल रहे हो भाई, ये लो भाई अपनी हल्दी जा चुकी है इसके अंदर। अच्छा एक कुटी हुई मिर्च है, ये कौन सी, पीली वाली मिर्च है? लाल। अच्छा लाल मिर्च है ये, हैं? लाल पाउडर। अच्छा अभी मसालों के साथ भी पकाओगे इसको, हैं? अब आ चुकी है टमाटर प्यूरी, ये देखो भाई बढ़िया एकदम। वाह वाह वाह, क्या देखो देखो कती। और यहाँ ले रहे हैं भाई भाई मजे बारिश के और मौसम के साथ, ये देख लो मैगी और साथ में ब्रेड भाई। अभी चिकन बन रहा भाई बढ़िया एकदम देसी स्टाइल है, साथ में फ्राई के लिए भी बोल दिया, वो भी कटवा दिया। ये देख लो रक्षित भाई वहाँ मजे ले रहे हैं भाई से। सेके ले गए, सेके गरम। हाँ तुम भी बना लो थोड़ा, ये लो चिकन कट गया वहाँ पे। ये देखो भाई अभी ये जब पक जाएगा ना तो इसमें बढ़िया सा रोगन आन लग जाएगा, जैसे अभी आन लग रहा है। ये फुल ना है। तो अभी इसमें क्या मसाले वसाले डाल के फ्राई करोगे? क्या क्या डालते हैं? कमजोर अंदर से होते हैं। अंदर से नहीं है, अंदर से नहीं होते, बाहर से होते हैं। चलो भाई मजे ले रहे हो तुम भाई के। यार अपना भाई है, टेंशन क्यों लेता है? हाँ तुम भी तो जम्मू के ही हो भाई, बात तो वही है। ये कौन सा मसाला डाल रहे हो? चिकन मसाला। ये लो भाई चिकन मसाला डाल चुका है भाई, साथ में अपना चिकन पक रहा भाई, ये देखो बढ़िया से। हाँ अच्छा कॉर्न फ्लोर जा रहा है ये, जाएगी इसमें बेसन और ये साथ में चलेगा बेसन। और भाई तेल हो चुका है गरम एकदम, जाएगा। अच्छा अंडा भी जाता है इसमें, वाह भाई वाह भाई, भैया की मेकिंग बहुत तगड़ी, जो भी को ऐसा नहीं कि बस उसको घोल के डाल दिया। कर रहा है जम्मू के भाई। हाँ है तो जम्मू की बात तो सही है, ये देखो। अच्छा कलर भी चले गया भाई, ये देखो अब लोग घूमेगा एकदम बढ़िया तरीके से। ऐसा बनता हुआ तो भाई मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा, जितने
परफेक्ट एकदम यहाँ बना रहे भैया, वो भी एकदम देसी स्टाइल में भाई। वाह भैया बहुत कुछ ये क्या डाला है साथ में और? ये बेसन। अच्छा साथ में और बेसन डाल दिया आपने। तो कितने पीस आए हैं भैया इसमें हाफ में? हेलो हाय गाइस, अच्छा 11 पीस आ गए भाई इसमें हाफ प्लेट में 11 पीस है। और एक बार सबको प्राइस बता दो भैया। प्राइस इसका सर 250 रुपया। 250 रुपए में 11 पीस आ गए हाफ के, और वो भी भाई हिल स्टेशन में। और वो भी हिल स्टेशन में, ये सोचने की बात है। हिल स्टेशन में 250 रुपए में चिकन, और फुल देसी मुर्गा है आपका 1100 रुपए का, और नॉर्मल चिकन लोगे वो 500 रुपए का है। तो भाई हमने देसी लिया 1100 रुपए का देसी चिकन प्लस 250 रुपए का हाफ। ये लो भाई अब आ चुके हैं इसमें पानी डालने की बारी। 15 मिनट हो चुके भाई पकते हुए चिकन को। वो ये देखो भाई रंगत चिकन की, वाह। नेट तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे बिल्कुल भी, भाई के भी नहीं चल रहे सिग्नल, यहाँ किसी के भी सिग्नल नहीं चल रहे भाई। नहीं चल रहे, नहीं चल रहे, ठीक है नहीं फोन। भाई के सिग्नल तो चल रहे हैं, भाई के फोन के सिग्नल नहीं चल रहे। तुम बोल लो भाई, मजा ले लो। ये लो भाई चिकन एकदम पक के रेडी हो चुका भाई, चिकन बन के रेडी हो चुका। और देखो पका कितनी बढ़िया तरीके से, वो भी सिर्फ 17 से 20 मिनट में भाई। और ये देखो ग्रेवी, वाह। अब देखते हैं भाई खा के पता चलेगा भाई कैसा टेस्ट है। और भैया चाय ला चुके हैं। वाह भाई ये देखो भाई चाय भी आ गई भाई साथ में। ये लो ठंड के मौसम में चाय भी आ चुकी है, और अपने भाई चिकन फ्राई हो रहा है भाई। टेस्ट चिकन का एक नंबर भाई, मजेदार। वाह अब भैया इसको करेंगे चिकन को पैक। भैया इसको पैक कर दो ठीक है। ये लो भाई फुल प्लेट में 22 पीस आ गए भाई, बढ़िया अपने। और बढ़िया हो रहा है एकदम चिकन भाई। ये लो भाई पैक भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पन्नी उन्नी में डाल के देते, एकदम बढ़िया पन्नी है पैक करने के लिए भी। भाई यहाँ पे पकड़ा अपना चिकन फ्राई, ये देखो भाई आहा वाह। चिकन फ्राई देखो एकदम भाई अलग ही लेवल का भाई। आपने जेएफसी खाया होगा दिल्ली में, बहुत कुछ खाया होगा, बट ये देखो ये अलग तरीके के हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। हमारे लिए सैलेड कट रहा है भैया। सैलेड किस चीज के लिए? ये सर चिकन पकौड़े। अच्छा चिकन पकौड़ों के लिए सैलेड भी देते हैं भाई साथ में, टमाटर और प्याज भी। ये भाई वाह भैया, टमाटर भी और प्याज भी साथ में। और कोई चटनी वटनी? अच्छा कचुम्बर सैलेड बना के दोगे आप साथ में पूरा, उसके साथ खाते हैं इसको। ये लो भाई बढ़िया से प्याज और टमाटर काट दिए भैया ने, सैलेड टमाटर प्याज, टमाटर प्याज नींबू और साथ में भाई कैबेज पत्ता गोभी मस्त एकदम। ये लो भाई ये कट चुका है सारा मकान, अपना चिकन फ्राई होके एकदम बढ़िया आ चुका है। अच्छा ये लो भाई अब इसमें और क्या डालोगे भैया? अच्छा नमक डाल दिया सबसे पहले, और ये क्या है? मिर्च डालेंगे। अच्छा मिर्च और लाल मिर्च भी, और साथ में ये क्या है? विनेगर। विनेगर ये आ गया भाई सिरका अपना विनेगर, और ये आ गया सॉस है जी। और साथ में हरी सॉस, वाह भाई ये बन गया अपना बढ़िया सैलेड, और साथ में चाट मसाला, वाह। साथ में भाई अपना सैलेड भी बनके रेडी हो चुका है, बनके एकदम रेडी हो चुका है। थैंक यू भैया इतना कोऑपरेट करने के लिए, पहली बार में भैया ने एक बार भी मना नहीं करा भाई, पूरी वीडियो बढ़िया से बनवा दी भैया ने हमारे। ये लो अपना सैलेड भी बन चुका भाई।